हेलो फ्रेंड्स, तो आज किस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूँ बीकॉम सेमेस्टर 1 स्टैटिक सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5, जिसे हम गुजराती में कहते हैं वस्ती विषयक अभ्यास रीतो और इंग्लिश में हम कहेंगे डेमोग्राफिक मेथड्स के सभी के सभी शॉर्ट सम, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं और आपके एग्जाम में इस चैप्टर का एक शॉर्ट सम 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं गुजरात यूनिवर्सिटी की 2016 से लेकर के 2022 तक के बस्ती विषय का अभ्यास के लिए, दैट मीन जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे डेमोग्राफिक मेथड, की सभी के सभी सम सॉल्व कराने वाला हूँ। सो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये चैनल आपकी काफी हेल्प करने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। सो यहाँ पर आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो शॉर्ट सम हमारे एग्जाम में आते हैं। पहले आपको बता देता हूँ, अभी हमारा जो 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है, कहाँ पे शॉर्ट सम आएंगे वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। इस टाइप में आपको लास्ट में टोटल 10 शॉर्ट सम्स आएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 7 शॉर्ट सम अटेंड करने होंगे और एक शॉर्ट सम रहने वाला है 2 मार्क्स का। सो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 के अंदर जितने भी शॉर्ट सम्स आए हैं सभी के सभी सॉल्व कराने वाला हूँ। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बिकॉज एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो चैप्टर नंबर 5 का कहीं से भी कोई भी शॉर्ट सम आएगा इजिली आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो देख लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको सॉल्व कराऊंगा गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 में किस टाइप का सम आया था और हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। मेरे पास यहाँ पर गुजराती मीडियम की बुक है, बट इंग्लिश मीडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज अब हमारा चैनल इंग्लिश, गुजराती, हिंदी सभी लोगों की खूब हेल्प करता है। सो एंड तक देखिए, अगर कोई डाउट रह जाए तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके या फिर कमेंट सेक्शन में राइट करके बता सकते हैं। बट यहाँ पे गुजराती बुक है, बट इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ध्यान से वीडियो को आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉल्व कराने वाला हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 में जो क्वेश्चन आया था। यहाँ पे क्या बोला गया था, कोई एक शहर माटे साधु जन्मदर, जन्मदर को हम इंग्लिश में कहेंगे CBR, क्रूड बर्थ रेट दिया गया यहाँ पे 30, अने बरस दरमियान शहर में कुल जन्मेला बालकों की संख्या 7500, यानी कि जन्म लेने वाले बालकों की संख्या 7500 है, तो ते शहर ने कुल वस्ती निकालना है, दैट मीन्स आपको सॉल्व करना है टोटल पॉपुलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला दिया गया है, साधु जन्म दर, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्रूड बर्थ रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एग्जाम हॉल में क्या करना है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से लिख दिया, आपको लिखना होगा साधु जन्म, इंग्लिश में कहेंगे CBR, क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या होगा, एक वर्ष में जन्मेला बालकों में जीवता रहेला बालकों की संख्या अपॉन मां ते वर्ष ने कुल सरेराश वस्ती इंटू 1000। तो हमने यहाँ पे देखा था सवाल के पास ऑलरेडी पहले से हमारे पास साधा जन्म दर दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास CBR दिया हुआ है। CBR कितना दिया हुआ है, 30। सो आप यहाँ पर CBR के प्लेस पे राइट कर लीजिए 30 इज इक्वल टू एक वर्ष में जन्मेला बालकों में जीवता रहेला बालकों की संख्या। देख लेते यहाँ पर जन्मेला बालकों की संख्या, दैट मीन्स यहाँ पे जन्म लेने वाले बालकों की संख्या ऑलरेडी दी हुई है, कितनी दी है 7500। सो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 7500 अपॉन में कुल वस्ती नहीं दी, दैट मीन्स टोटल पॉपुलेशन नहीं दिया है, वही तो आपको सॉल्व करना है ना। सो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, गुजराती में बोलेंगे कुल बस्ती इंटू 1000। अब हमें क्या करना है, हमारे मैथमेटिक्स फॉर्मूला का यूज करना है, ये डिवाइड में है ना, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा। सो मैं इसे इस तरीके से कर सकता हूं 30 इंटू टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 7500 इंटू 1000।
बहुत ही आसान सम हो गया। क्या सोल्व करने को कहा गया है? सर हमें सोल्व करना है टोटल पॉपुलेशन, यानी कि कुल बस्ती हमें निकालना है। 30 इंटू में सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए अपॉन में 30। आपके पास कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज कीजिए। 7500 इंटू कितना करना है 1000 और डिवाइड कर देना है हमें 30 से। जब आप 30 से डिवाइड करेंगे सो यहाँ पे अभी आपको कम्प्लीटली दिखाई देगा। यस अभी मैं आपको कम्प्लीटली दिखा देता हूँ, बिकॉज ऑफ कैलकुलेटर में आपको कम्प्लीटली नहीं दिख रहा था, अभी आपको दिखेगा यहाँ पर। यस सो यहाँ पर कितना हमारे पास 7500 इंटू 1000 और डिवाइड करना है आपको 30 से। 30 से डिवाइड करेंगे आपका पास आंसर आ चुका है 2,50,000। सो यहाँ पर आपको मिल चुका है टोटल पॉपुलेशन। आई होप यहाँ पर मैंने किस तरीके से सॉल्यूशन किया है आपको समझ में आ चुका होगा। और ये आ चुका है आपका आंसर जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी में आया था 2016 में। सो यहाँ पे आपने पूरा का पूरा सम देख लिया होगा किस तरीके सॉल्व किया है। कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, ओनली वैल्यू सेटअप किया है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये आ चुका है हमारा आंसर 2,50,000। देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ओके यहाँ पे आ चुका है गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 का सेकेंड क्वेश्चन में क्या आया था, ध्यान से रीड करेंगे हम। एक शहर माटे जुदा जुदा 15 जूथ माटे वर्गांतर यानी कि क्लास यानी कि डिफरेंस वर्गांतर 5 हुए तेवा विशिष्ट प्रजनन दर अनुक्रम में यानी कि सीक्वेंस में दिया हुआ है 25, 70, 105, 180, 60, 10 और 4 हो तो आपको निकालना है कुल प्रजनन दर। और इंग्लिश में हम कहेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट। जब भी आपको टोटल फर्टिलिटी रेट निकालना हो ना तो यहाँ पे जितना भी आपको सीक्वेंस में प्रजनन दर दिया है सभी को प्लस कर देना है और इनके बीच में डिफरेंस कितने का 5 का उसके साथ में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सो इजीली आपको मिल जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि गुजराती में कहेंगे हम कुल प्रजनन दर। सो कैसे सॉल्व करते वो भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यस अभी आपको कंप्लीटली दिखेगा। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे राइट करना है टोटल फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला। TFR इज इक्वल टू, आप सभी लोगों को पता है, SFR इनटू II मींस डिफरेंस। क्या करना है यहाँ पे जितनी भी वैल्यू दी गई है सभी को आपको प्लस कर देना है। कैलकुलेटर यहाँ पर है, सो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ। सो अपने पास कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, यहाँ से आप चेकआउट कीजिए 25 से, 25 प्लस 70 आप राइट कीजिएगा प्लस 105 प्लस 180 प्लस 60 प्लस 10 एंड प्लस 4 कितना हो चुका है 454। सभी को प्लस किया तो आपका आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर 454। आपने देखा था वर्गांतर यानी कि डिफरेंस, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का था, सिर्फ 5 का था। सो आपको इनटू कर देना है 5, 454 इंटू 5 करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2270। और ये आ चुका है आपका आंसर। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपको शॉर्टकट नहीं करना है। ये 454 कैसा है, सभी की सभी वैल्यू को आपको टोटल करके दिखाना होगा। मैं आपको टोटल करके दे ही देता हूँ, बिकॉज अब नहीं तो आप ऐसे ही करके आ जाएंगे। शॉर्टकट यूज नहीं करना है, श्योर कट यूज करना है। 25 प्लस 70 प्लस 105 प्लस 180 प्लस 60 प्लस 10 एंड प्लस 4 सभी को प्लस करेंगे इंटू 5 करेंगे सो आपको आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी में ये दो शॉर्ट सम आए थे। अब इस टाइप का कोई भी शॉर्ट सम आएगा उसे आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक वीडियो को बनाने में मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। सो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने मोबाइल के सभी ग्रुप्स के बीच में शेयरिंग कर दीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और मैं मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकूं। बिकॉज आपके एग्जाम में जो शॉर्ट सम जो आते हैं ना ये हमारे एग्जाम में कैश मार्क्स का रोल प्ले करते हैं। ये जो राइट हो गए तो आपको कैश 2 मार्क्स मिल ही जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि अभी के अभी आप इस वीडियो को फटाफट अपने मोबाइल के सभी ग्रुप्स के बीच में शेयर कर देंगे। सो देख लेते हैं नेक्स्ट कौन से सम सोल्व करेंगे हम यहाँ पे। यस अब हम आ चुके हैं गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 के पास। देखते हैं 2017 में क्या पूछा गया था। पहले हम रीड कर लेते हैं। एक शहर ने कुल बस्ती 60 लाख यानी कि टोटल पॉपुलेशन दिया है 60 लाख अने साधु जन्म दर दैट मीन CBR दिया हुआ है 22। जो तीस शहर में प्रजनन वय धराप्त स्त्रियों की संख्या दैट मीन जो प्रजनन वाली स्त्रियां हैं उनकी संख्या है 16,50,000।
तो सातो प्रजनन दर से हो, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको जीएफआर सॉल्व करना है, जनरल फर्टिलिटी रेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं यहाँ पे ध्यान से। ओके सो यहाँ पर आ चुका है गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 के सम को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या दिया हुआ था सर, सवाल में ऑलरेडी पहले से जन्म दर दिया हुआ है यानी कि सीबीआर दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं सीबीआर का फॉर्मूला लिख देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। साधा जन्म दर का फॉर्मूला भी लास्ट 2016 में मैंने आपको समझा दिया था, एक वर्ष में जन्मेला बालकों में जीवता रहेला बालकों की संख्या अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। आपके पास सीबीआर दिया हुआ है, यस सर सीबीआर दिया हुआ है 22, सो आप यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सीबीआर है हमारे पास 22। फिर क्या दिया हुआ आपके पास, यस सर हमारे पास टोटल पॉपुलेशन भी दिया है, कुल बस्ती भी दी है, सो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए टोटल पॉपुलेशन अपॉन में कितना दिया हुआ है 60 लाख इंटू 1000 एज इट रहेगा। सो आपको निकालना क्या है जीवता रहेला बालकों की संख्या, यानी कि आपको बालकों की संख्या निकालनी है, बहुत ही आसान है, अभी हाल आपने सीखा था, ये डिवाइड में सामने जाएगा तो इंटू में, और ये इंटू में सामने आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में। कैलकुलेटर में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करना है आपके पास है 60 लाख इंटू क्या करोगे आप 22, बिकॉज 60 लाख यहाँ पे डिवाइड में सामने जाएगा तो इंटू में हो जाएगा इंटू 22, और ये इंटू में दिया सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड करेंगे 1000, सो आपके पास आंसर आ चुका है 1,32,000। सो यहाँ पर हमारे पास जीवित रहने वाले बालकों की संख्या आ चुकी है 1,32,000। आई होप यहाँ पे 1,32,000 कैसे आया आपको समझ में आ चुका होगा, बट ध्यान रखिएगा एग्जाम में शॉर्टकट यूज नहीं करना, उसकी जगह पे शॉर्टकट यूज करना है, आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन लिख कर आना, मैंने यहाँ पे आपको शॉर्टकट में समझाया बट आप समझ गए होंगे यहाँ पे 1,32,000 कैसे है, बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। आगे देखते क्या दिया हुआ था सर, यहाँ पे प्रजनन व्यय दर आप दी यानी कि प्रजनन वाली स्त्रियों की संख्या दी है 16,50,000, तो आपको निकालना है सादा प्रजनन दर दैट मीन्स जीएफआर निकालना है, तो हमें क्या करना होगा जीएफआर का फॉर्मूला लिखना होगा। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फॉर्मूला लिख दिया है, सादो प्रजनन दर गुजरात इंग्लिश में कहेंगे हम जीएफआर यानी कि जनरल फर्टिलिटी रेट, फॉर्मूला क्या है जन्मेला जीवता रहेला कुल बालको, तो कुल बालक की संख्या तो आपको मिल चुकी कितनी आ चुकी है सर 1,32,000, सो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 1,32,000 अपॉन में क्या लिखा है प्रजनन व्यय धराप्ती स्त्रियों की संख्या, तो हमारे पास प्रजनन व्यय धराप्ती स्त्रियों की संख्या कितनी थी ये यहाँ पे लिखा हुआ है 16,50,000, सो आप राइट कर दीजिए यहाँ पर 16,50,000 और इंटू 1000 तो एज इट रहेगा। अभी आपको क्या करना है कैलकुलेटर यूज करना है, 1,32,000 को डिवाइड कर देना है 16,50,000 इंटू 1000, सो आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 80। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे 80 किस तरीके से आया हुआ है आपको समझ में आ चुका है, जैसे ही आपका आंसर आ जाए आप चाहें तो यहाँ पे हाईलाइट के लिए मेलोडी चॉकलेट इस तरीके से अपने आंसर को हाईलाइट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि 2017 के सम को किस तरीके सॉल्व किया गया, अगर आप इस टाइप का कोई भी सम आएगा उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम की बुक या फिर इंग्लिश मीडियम का पेपर लेकर बैठना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फॉर्मूला सेम वही है चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे वो गुजराती, हमारा फोकस होना चाहिए काउंटिंग फिगर्स के ऊपर, राइट ना। आगे देखते यहाँ पर 2017 में फिर हमें यहाँ पे थियरी मिली थी, इसका आंसर दिया हुआ आप चेकआउट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, A15 भी आप देख लीजिएगा, 16 भी देख ली, बिकॉज ऑफ थियरी इसके आंसर डायरेक्टली आपको लर्न करने हैं। फिर यहाँ पे आ चुके हम लोग गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में किस टाइप के सम आए थे, सो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 के सम। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक आ चुके होंगे, अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके एग्जाम में 100% अच्छा स्कोर होने वाला है, यहाँ पर आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो पर पहुंच चुके हैं तो सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, आपके एग्जाम में 100% आपका अच्छा सा स्कोर होने ही वाला है और आप एग्जाम में एक अच्छा सा गोल 100% अचीव करेंगे और आपका जो भी गोल होगा 100% कंप्लीट होगा, बिकॉज यहां तक आने के लिए भी आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। सो देख लेते हैं 2018 के सम में क्या पूछा गया था, आई होप अभी आपको कंप्लीटली दिख रहा होगा, यस रीड कर देते हैं यहां पर।
वर्ष 2016 में 25,000 बालकों एक शहर में जन्मया, जेमा ना 200 बालकों तेमनु एक वर्ष पूर्ण करे ते पहला मृत्यु पाम्या। दैट मीन्स यहाँ पर 25,000 बालकों का जन्म हुआ था, जिसमें से 200 बालक ऐसे हैं कि जिनका एक साल नहीं हुआ ना उससे पहले उनकी डेथ हो गई। इसलिए आपको निकालना है बाल मृत्यु दर, इंग्लिश में कहेंगे हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, बाल मृत्यु दर का फॉर्मूला लिखना होगा, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख दिया है। आई होप अभी आपको कंप्लीटली दिख रहा होगा। यस, बाल मृत्यु दर इंग्लिश में कहेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। फॉर्मूला क्या है, एक वर्ष की ओछी उम्र में मृत्यु पामेला बालकों ने संख्या, यानी कि बालक का जन्म हुआ और एक वर्ष से पहले ही उनकी डेथ हो गई, अपॉन में एक वर्ष में आ शहर में थैला कुल जन्म, यानी कि इसी शहर में एक वर्ष में कुल कितने बच्चों ने जन्म लिया, इंटू 1000। हमने यहाँ पे जैसे ही फॉर्मूला यूज किया, आपके पास पूरी की पूरी डिटेल है। यहाँ पर मृत्यु वाले बालकों की संख्या कितनी थी, 200, और टोटल जन्म लेने वाले बालक कितने, 25,000। कुछ नहीं करना है आपको, मृत्यु वाले बालक कितने थे 200 और जन्म लेने वाले बालक कितने थे 25,000। सिर्फ आपको कट कॉपी पेस्ट करना है इनटू 1000। फिर तो आपके पास कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर यूज कीजिए। 200 डिवाइड में 25,000 इनटू 1000, सो आपका आंसर आ चुका है 8, और ये हो गए आपका आंसर, और इजीली आपके आ जाएंगे यहाँ पे 2 मार्क्स। सो यहाँ पर बाल मृत्यु दर, दैट मीन्स इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, आपको समझ में आ चुका होगा। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 2022 एंड 2021 का पेपर नहीं है, बट 2022 और 2021 में क्या पूछा गया था मैं आपको समझा देता हूँ। 2021 में क्या हुआ था, यही का यही समय आया था। सिर्फ क्या हुआ था, यहाँ पर जन्म लेने वाले बालकों की संख्या 25,000 की जगह पर 36,000 हो गई थी, और मृत्यु वाले बालकों की संख्या 200 की जगह पर 320 हो गया था। आप 2021 का पेपर डाउनलोड करेंगे या फिर कहीं पे देखेंगे, या फिर आपके पास लेटेस्ट बुक होगी वहां पे आपको ये फिगर देखने को मिलेगा। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको 2021 में लेकर चलता हूँ। फॉर्मूला तो यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है। सम आपको मैंने समझा दिया कि वहां पे क्या चेंज हुआ था, या फिर आप डाउनलोड करके, या फिर आपके पास लेटेस्ट बुक है वहां पे ये सम देखने को मिलेगा। सिर्फ वहां पर बालकों की संख्या, यानी कि जन्म लेने वाले बालकों की संख्या कितनी हो गई थी, जो कि मैंने आपको बताई यहाँ पर कितनी हो गई थी, 320। सो आपको 200 के प्लेस पे क्या कर देना है, 320 अपॉन में टोटल जन्म लेने वाले बालकों की संख्या 25,000 की जगह पर 36,000 हो गई थी, बाकी सब एज इट रहेगा। फिर तो आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर यूज कीजिए। 320 अपॉन में 36,000 इंटू 1000, सो आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 8.88। सो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 8.88। जैसे ही आपका आंसर आ जाए, आप मस्त मजा की जोरदार आंसर को हाईलाइट करके, दैट मीन्स आप चाहे तो मेलोडी चॉकलेट बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 8.89 भी लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2021 में किस टाइप का समय आया था आपको समझ में आ चुका होगा। फिर यहाँ पे 2022 के अंदर भी सेम इसी टाइप का समय आया था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। जहां पे 25,000 है ना, वहां पर 450 हो गया था, एंड जहां पे 200 बालकों की डेथ हुई थी वहां पे ओनली 27 बालकों की डेथ हुई थी, बाकी फॉर्मूला यही आया था। सो मैं आपको 2022 का भी सम सॉल्व करा देता हूँ, बहुत ही आसान है। अब बाल मृत्यु दर, दैट मीन्स इन्फेंट मोर्टालिटी सम का कोई भी सम आएगा तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मृत्यु वाले बालकों की संख्या कितनी थी सर, 27। टोटल यहाँ पे कितने लोगों ने जन्म लिया था सर, 450 इंटू 1000 एज इट वही रहेगा। फिर आपको यूज करना अपना कैलकुलेटर, और 27 अपॉन में 450 इंटू 1000, सो आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 60। सो राइट कर दीजिए यहाँ पे, ये रहा आपका आंसर। जैसे ही आंसर आया, आप चाहे तो आंसर को हाईलाइट करने के लिए क्या बना सकते हैं, मेलोडी चॉकलेट। सो यहाँ पे 2018 में, 2021 में एंड 2022 में सेम टू सेम सेम ही टाइप का सम आया था। किस तरीके से मैंने सम सॉल्व किया है, कैसे मैंने वैल्यू सेटअप किया, आपको समझ में आ चुका होगा। सो अब देख लेते लास्ट सम, और धीरे धीरे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। एंड यहाँ पे मैंने डेमोग्राफिक मेथड के 2016 से लेकर के 2022 तक जितने सम आए सभी के सभी मैंने सॉल्व करा दिए। सो अभी हमारे पास बचा है ओनली 2019 के सम। देख लेते 2019 में क्या आया था। ओ यस, यहाँ पे देखो आपको 2019 दिख रहा होगा। क्या आया था, एक शहर में
कुल बस्ती 50,000 है, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन 50,000 है, कोई वर्ष 10,025 लोगों को मृत्यु पामे, यानी कि प्रत्येक 1,000 पे, यानी कि प्रत्येक 1,000 पर 25 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ते वर्षे कुल केटला लोगों ने मृत्यु थई हसे ते शोधो, दैट मीन्स उस वर्ष में टोटल कितने लोगों की डेथ हुई है उसे आपको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान समय, लॉजिकल समय, फॉर्मूला भी यूज नहीं करोगे तो भी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। प्रत्येक 1,000 पर कितने लोगों की डेथ हुई है, 25 लोगों की। सो आप इस तरीके से सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं जो कि आपने कहीं ना कहीं पहले से सीख के रखा है मैथमेटिक्स के अंदर। पर 1,000 पे कितने लोगों की डेथ हो गई, 25 लोगों की। तो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर कितना है सर, 50,000। तो 50,000 पे कितने लोग की डेथ हो गई होगी, तो 1,000 पे 25 की डेथ हुई है, तो 50,000 पे कितने लोगों की डेथ हुई होगी, यही तो आपको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 25 × 50,000 डिवाइड में 1,000, फिर आपको यूज करना है अपना कैलकुलेटर। 25 × 50,000 डिवाइड में 1,000, सो आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 1,250। तो टोटल पूरे ईयर में कितने लोगों की डेथ हुई होगी, 1,250 की। आई होप यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में किस टाइप का सम आया था और कैसे सॉल्व करना था आपको समझ में आ चुका होगा। अब इस टाइप का कोई भी सम आएगा उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद तो थियरी आई थी, उसके बाद थियरी आई थी तो आप इसे इसमें से रीड कर लीजिएगा। एक सम और भी बता देता हूँ, बिकॉज ऑफ ये भी थोड़ा IMP सम, बट ये यूनिवर्सिटी में नहीं आया, फिर भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करने वाला है। 20 नंबर का देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही आसान सम है। एक शहर माटे प्रजनन व्यय ने स्त्रियों ने जुदा जुदा व्यय जूथ माटे प्रजनन दर अनुक्रमे, दैट मीन्स यहाँ पे प्रजनन दर दिया हुआ है 10, 62, 65, 66, 25 और 5। अब महती प्रति सामान्य प्रजनन दर निकालना है, यानी कि जनरल फर्टिलिटी रेट निकालना है। सो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, क्या करना होगा, जितनी भी वैल्यू थी सभी को आपको प्लस कर देना है। सो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता ही देता हूं। सामान्य प्रजनन दर राइट ना, ये जितनी भी वैल्यू दी गई सभी को आपको प्लस करना है। मैं डायरेक्टली आपको प्लस करके बता देता हूं कितना दिया है, 10 + 62 + 125 + 85 + 66 + 25 and finally 5, टोटल कितना हो चुका है, 378 आपको सभी को प्लस करना था। एंड डिवाइड में देखो कितने हमारे पास सीक्वेंस दिए, कितनी प्रजनन दर दी, कितने का नंबर दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सिंपली आपको 7 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, 378 डिवाइड में 7 और ये आ गया आपका आंसर 54। सो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपने पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देख लिया होगा, सब कुछ समझ में आ चुका होगा। गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 से लेकर के 2022 के सभी शॉर्ट सम मैंने चैप्टर नंबर 5 के सॉल्व करा दिए। सो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल आपकी काफी मदद करने वाला है। सो मैं चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने मोबाइल के सभी ग्रुप्स के बीच में इस वीडियो को शेयरिंग कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और मैं मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के सभी को थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट for your exam।